हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शॉर्ट एंड सिग्निफिकेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ के मोशंस के बारे में, यानी कि हमारी पृथ्वी कितने तरीके की गति करती है और इन मोशन से पृथ्वी के मौसम में क्या प्रभाव पड़ता है। अब तक पिछले दो चैप्टर्स में हम ये जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी मेनली दो तरीके के मोशंस करती है, एक है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। दरअसल हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है, जिसको रोटेशन कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अपनी एक्सिस पर घूमने के साथ ही साथ हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिटल पाथ पर सन के अराउंड भी चक्कर काटती है, और इसी को रेवोल्यूशन कहते हैं। इस बीच अगर आप उस ऑर्बिटल पाथ को देखेंगे जिसमें पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, तो आपको वो एक पाथ एक सर्कुलर डिस्क की तरह नजर आएगा। और अर्थ के ऑर्बिट के द्वारा बनाए गए इसी सर्कुलर प्लेन सरफेस को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। और अब इस ऑर्बिटल प्लेन पर अर्थ को इमेजिन कीजिए, और अब अर्थ की एक्सिस से इस ऑर्बिटल प्लेन के बीच बने हुए एंगल को जब आप मेजर करेंगे तो ये करीब 66.5 डिग्री का होगा। मतलब अर्थ की एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच का एंगल 66.5 डिग्री है। दरअसल अर्थ की जो एक्सिस है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि थोड़ी झुकी हुई है। और इसीलिए अगर आप ऑर्बिटल प्लेन पर एक सीधी लाइन या कहे तो एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो वो अर्थ की एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती नजर आएगी। आइए अब देखते हैं कि दिन और रात कैसे होता है। हम अब तक इतना जान चुके हैं कि पृथ्वी में प्रकाश या कहे तो लाइट का सोर्स सूरज ही है। सूरज की किरणें ही अर्थ में प्रकाश फैलाती हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि अर्थ का शेप काफी हद तक एक गोल बॉल की तरह है, इसलिए एक समय में पृथ्वी के आधे हिस्से में ही सन की लाइट पड़ती है। जरा आप घर में कोई एक बॉल लीजिए और उसको टेबल पर रख दीजिए। उसके सामने अब आप एक टॉर्च जलाइए। अब आप देखेंगे कि सिर्फ बॉल के आधे हिस्से जो कि टॉर्च के सामने है, वहीं पे लाइट पहुंच रही है, और बाकी बॉल के पीछे वाले हिस्से में जहां टॉर्च की लाइट नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे अंधेरा है। ठीक ऐसा ही अर्थ और सन के केस में भी होता है, जहां अर्थ उस बॉल की तरह है और सन एक बड़े टॉर्च की तरह। जिस ओर अर्थ सूरज के सामने होती है वहां दिन होता है, और बाकी जो साइड पीछे की तरफ होती है और जहां लाइट नहीं पहुंच पाती, वहां पे रात होती है। इसी बीच जरा बॉल की जगह टॉर्च वाला एक्सपेरिमेंट इस बार ग्लोब के साथ करिए, और ग्लोब को उसकी एक्सिस पर घुमा भी दीजिए। आप देखेंगे कि उस सर्कुलर ग्लोब में एक ऐसी रिंग बन रही है जो लाइट और डार्क वाले पार्ट को डिवाइड करती है। अर्थ में इसी रिंग को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। और क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए आप देखेंगे कि ये रिंग या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लाइन असल में अर्थ की एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करती। अब बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की, जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड करती है। अपने एक्सिस के अराउंड पूरा एक रोटेशन करने में अर्थ को करीब 24 घंटों का समय लगता है, और इसी पीरियड ऑफ रोटेशन को अर्थ डे कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर तो काटे, मतलब रेवोल्यूशन तो करे, लेकिन अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करना बंद कर दे, तो ऐसे में क्या होगा? दरअसल ऐसी हालत में अर्थ का केवल एक ही पार्ट हमेशा सूरज के सामने रहेगा, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर काफी गर्म हो जाएगा,
जबकि दूसरा पार्ट में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, मतलब वहां बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाएगी। और ऐसी दोनों हालत में किसी भी एनिमल, प्लांट या ह्यूमन का सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा और अर्थ से लाइफ खत्म भी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अर्थ की रेवोल्यूशन की। इसके पहले ही हमने पढ़ा कि अर्थ का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना ही रेवोल्यूशन कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्थ को सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने आसानी के लिए साल को या एक चक्कर को 365 दिनों से ही मेजर करने का तय किया है। लेकिन फिर बचे हुए 6 घंटे का क्या? असल में अगर आप इन बचे हुए 6 घंटों को हर साल जोड़ेंगे तो हर 4 साल में आपको 24 घंटे का एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, और इसीलिए हर चौथे साल में एक दिन और जोड़ा जाता है और वो साल 366 दिनों का बन जाता है, जिसको हम सब लीप ईयर कहते हैं। इस एक्स्ट्रा दिन को ही उस लीप ईयर में फरवरी महीने में जोड़ देते हैं, जिस वजह से लीप ईयर का फरवरी महीना 28 के बजाय 29 दिनों का हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि अर्थ में मौसम कैसे बदलता है। आप अब तक जान चुके होंगे कि अर्थ अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के चक्कर काटती है और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में झुकी होती है। दरअसल एक पूरे साल को पृथ्वी पर गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ये मौसम असल में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। इसको समझने के लिए आप इस बुक में दी गई फोटो को देखें। आप देखेंगे कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुका होता है, इसलिए सूरज की किरणें सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, जिसकी वजह से इसके पास बसे क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। लेकिन इसी दौरान वो क्षेत्र जो पोल के साथ स्थित होते हैं, वही सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इसीलिए वहां इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। आप देखिए कि नॉर्थ पोल जब सूरज की ओर झुका हुआ है, ऐसे में भले ही पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही हो, लेकिन आर्कटिक सर्कल के बाद के क्षेत्रों में सूरज की रोशनी लगातार पड़ती रहती है। इसीलिए आर्कटिक सर्कल के बाद वाले क्षेत्रों में लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज्यादातर भागों में सूरज की किरणें पहुंच रही होती हैं, इसलिए इस वक्त में इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ गर्मी का मौसम होता है। इस वक्त दिन बड़े और रात छोटी होती है, और 21 जून को तो इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात दर्ज की जाती है। और वहीं दूसरी ओर साउदर्न हेमिस्फीयर में सारी कंडीशंस इसके अपोजिट होती है, और वहां सर्दी का मौसम होता है, जिसमें रातें दिन के मुकाबले काफी लंबी होती है, मतलब पूरे 24 घंटे में ज्यादातर वक्त अंधेरा होता है, और अर्थ के इस पोजीशन को ही समर सोलस्टिस कहा जाता है। वहीं आप 22 दिसंबर वाले पिक्चर को देखिए, अभी भी उसी डायरेक्शन में अर्थ के झुके होने के कारण साउथ पोल सूरज के और सामने आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, मतलब जब अर्थ इस पोजीशन पे होती है तब साउदर्न हेमिस्फीयर में अधिक लाइट पड़ती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है, और यहां दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। वहीं इसी पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कंडीशन टोटली अपोजिट होती है, और अर्थ के इस पोजीशन को ही विंटर सोलस्टिस कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस असल में गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर वाले फोटोज को। इसमें आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें सीधे इक्वेटर पे पड़ रही हैं, और ऐसी पोजीशन में कोई भी पोल सूरज की ओर झुका नहीं होता है, और इसीलिए पूरी अर्थ पर बराबर दिन और रातें होती हैं।
और अर्थ के इसी पोजीशन को ही इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर शरद या ऑटम सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर पर बसंत यानी स्प्रिंग सीजन हुआ होता है। वहीं 21 मार्च को इसका टोटली उल्टा यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बसंत यानी स्प्रिंग सीजन हुआ होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में शरद यानी ऑटम सीजन हुआ होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये जाना कि हमारे अर्थ पर दिन रात और मौसम ये सब अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, लेकिन ऐसे ही क्लास 6 ज्योग्राफी के आगे के चैप्टर्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमें सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोस को अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें।